होटल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी लौता एंड वाहिद इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ पे जॉब की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन फिर भी लास्ट एक साल से कोरोना की वजह से इस इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। बहुत सारे होटल रिजॉर्ट बंद हो चुका है या फिर उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही कम हो चुका है, जिस वजह से इस इंडस्ट्री का हालत थोड़ा सा डाउन है। लेकिन फिर भी इस टाइम में भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है उन्होंने अच्छा बिजनेस ही नहीं किया बल्कि एक अलग सा लैंडमार्क सेट किया, और क्विक सर्विस या टेक अवे रेस्टोरेंट्स ने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर एक अलग छाप छोड़ दिया। तो दोस्तों आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में कैसे जॉब मिलते हैं, क्या जॉब मिलता है, कितना सैलरी होता है और कैसे हमें आसानी से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकता है। तो भी पूरा डिटेल्स जानने के लिए तो वीडियोज को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसके पास प्रोफेशनल स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पैसा है, उसके लिए काम या अब्रॉड में जॉब ढूंढना उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, फिनेंशियली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन अपने आप में पोटेंशियलिटी है, जॉब करने की चाहत है, मैं वो सब लोगों के लिए ये वीडियोज बनाता हूँ और इतना रिसर्च करता हूँ ताकि मेरे जैसे जो लोग अपना सपनों को सच करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और जो हेल्प मेरे से होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको भी अपना सपना पूरा करने में थोड़ा सा आसानी हो। आसानी से और लेस एक्सपीरियंस और उतना स्किल्ड और एडुकेशन ना होने के बावजूद जहाँ पे आपको आसानी से इजीली जॉब मिल सकता है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, या फिर जिसको हम टेक अवे रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। इस इंडस्ट्री में जॉब मिलने से या जॉब ढूंढने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स या फिर टेक अवे रेस्टोरेंट्स क्या होता है। दोस्तों ये वंस काइंड ऑफ फूड चेन रेस्टोरेंट होता है, जो इसका जो फूड आउटलेट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और ये मोस्टली टेक अवे, मतलब यहाँ पे कोई आता है, ऑर्डर करता है, खाना पैक मिलता है, लेके जाता है और बैठ के खाना बहुत ही कम होता है। और जहाँ पे सबसे जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों क्विक सर्विस या फिर टेक अवे रेस्टोरेंट में जो मेनू होता है वो फिक्स मेनू होता है और जहाँ पे बल्क अमाउंट ऑफ फूड कुकिंग होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बहुत टाइप्स है, वेराइटीज का फूड नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक फिक्स मेनू होता है और वहाँ पे आप जाके आपको विद इन 5 मिनट आपको रेडी मिल जाएंगे फूड, जिस वजह से लोग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आजकल बहुत ज्यादा पसंद करते, इसलिए क्योंकि अभी किसी के पास उतना टाइम है ही नहीं कि सबको जल्दी है, सबको फर्स्ट है, जिस वजह से ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ने एक अलग छाप छोड़ दिया इस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो क्विक सर्विस और टेक अवे जो चेन रेस्टोरेंट है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो चुका है कि दुनिया में हर कोने में इसका आउटलेट्स है, इसका फूड ब्रांचेस है। आज के जमाने में बहुत सारे क्विक सर्विस जो रेस्टोरेंट है दोस्तों, जैसे कि सबसे फेमस है दोस्तों मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग, KFC, सब अवे, सो इस तरह का जितना भी फूड आउटलेट्स है दोस्तों, ये सब आता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर, जहां पे पर्टिकुलर मेल आपको मिल जाएंगे आपके बजट के अंदर और विद इन 5 मिनट्स आपको फूड भी डिलीवरी मिल जाएंगे। ऐसा है कि आप आके काउंटर पे ऑर्डर करते हो, दूसरे काउंटर पे जाके फूड सर्व होता है और आप लेके बैठ के खा भी सकते हो, लेके जा भी सकते हो, जिस वजह से यहाँ पे काम की बहुत डिमांड है और यहाँ पे इजीली जॉब भी मिल जाते हैं अगर आपके पास उतने एडुकेशन नहीं है, उतना स्किल नहीं है फिर भी। सो दोस्तों जो लोग जस्ट न्यूली बैचलर या प्लस टू या 10th पास कर चुके हो, उसके बाद आपने स्टडी नहीं किया या फिर आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं किया और आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप जॉब करना चाहते हो, अब्रॉड में जाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक लौता इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका बस स्टेमिना, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और आपका हार्डवर्किंग स्किल के ऊपर डिपेंड करके आपको जॉब मिल सकते हैं। ये सारे कैपेबिलिटीज अगर आप में है तो आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉई का जरूरत होता है और यहाँ पे मोस्टली जो चीजें है दोस्तों एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि थोड़ा सा कम सैलरी में ये लोग अपने एम्प्लॉई हायर करते हैं और अपने
थोड़ा ट्रेनिंग देके काम सिखा के अपना काम करवाता है, जिस वजह से फ्रेशर्स को भी एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं और कंपनी को भी कम पैसा में एक एम्प्लॉय मिल जाता है। तो दोनों की तरफ से अच्छी बेनिफिट्स है, जिस वजह से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में एज अ फ्रेशर जॉब मिलना बहुत आसान है दोस्तों। दुबई सिर्फ नहीं, दुनिया की कोई भी कोने, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या यूएसए, यूके, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, हर एक कंट्री में बहुत सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का आउटलेट्स होता है। तो आप वहाँ डेफिनेटली ट्राई कीजिए, और अगर आप दुबई में ट्राई करना चाहते हो तो दुबई में जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है उसका बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आता है इंडिया में या बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, वहाँ से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो देख के आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी पोस्ट में हम लोगों को हायर किया जा सकता है, कौन सी पोस्ट में हमें जॉब मिल सकता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टीम बिल्ड किया जाता है, क्योंकि बल्क अमाउंट का कुकिंग होता है, जिस वजह से आपको एक पर्टिकुलर टीम बनाया जाता है। सपोज अगर आपको किचन क्रू या फिर आपको सर्विस क्रू या फिर टीम मेंबर या फिर टीम लीडर, कैशियर या फिर कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, एरिया मैनेजर, दिस काइंड ऑफ ह्यूज पोस्ट होता है दोस्तों ये सारे रेस्टोरेंट्स में। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किचन क्रू या सर्विस क्रू या टीम मेंबर पे अप्लाई कीजिए, जहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएंगे। और जो जॉब आपका असाइन किया जाएगा वो आप एक हफ्ता में सीख जाओगे, तो आसानी से एक पर्टिकुलर टास्क आपको दिया जाता है, वही आपका टास्क होता है, तो आप आसानी से इजीली वो काम कर भी सकते हो। और आप सीख जाओगे तो उसके बाद आपको प्रमोशन भी मिलेंगे अगर आप में पोटेंशियलिटी है। आप इसके बाद आता है दोस्तों सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी भी आपकी पोस्ट और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन अगर आप एज अ बिल्कुल फ्रेशर्स आप ज्वाइन करते हो एज अ सर्विस क्रू या फिर एज अ टीम मेंबर और एज अ किचन क्रू, तो आपको 1200 से 1500 दिरहम सैलरी मिनिमम बेसिक सैलरी मिल जाएंगे। उसके बाद आपका पर डे 2-3 घंटे का ओवर टाइम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है यहाँ पे ह्यूज बिजनेस होता है, जिस वजह से आपको वहां पे पर डे 2-3 घंटे का ओवर टाइम मिल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आपका 1500 बेसिक सैलरी है, तो उसके बाद ओवर टाइम मिला कि आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। आपका जो वीकली छुट्टी है, सपोज मंथली आपके पास 4 छुट्टी है, लेकिन आपने 2 छुट्टी लिए और 2 छुट्टी काम किए, उसका भी अलग से पैसे मिलेंगे। तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब करके एज अ फ्रेशर्स। और आपको स्टार्टिंग में शायद ये सैलरी कम लग सकते है दूसरी प्रोफेशन के मुकाबले, लेकिन दोस्तों ये बात भी सही है, आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है, सिक्योर जॉब मिल रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कोई कंपनी आपको जॉब दे रहा है, काम दे रहा है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सैलरी कम मिलेगा। फिर भी मेरे हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में अगर आप दूसरी कंपनी जाते हो या फिर आपने प्रमोशन लेते हो तो आपको सैलरी तो अच्छा खासा ही मिल जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ये अच्छा ही सैलरी है, क्योंकि आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी एक कंपनी आपको जॉब देता है, तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दोज फ्रेशर्स जो लोग एब्रॉड की जॉब के लिए ट्राई करते हो लेकिन सही मौका नहीं मिलता। तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को डेफिनेटली मेरे हिसाब से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। के बाद आ जाए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब अगर आपको करना है, अगर आप फिजिकली दुबई या सऊदी या ओमान या कतर या कहीं पे भी अगर आप प्रेजिडेंट हो, विजिट वीजा खत्म होने वाला है, आपको अभी तक अच्छा जॉब नहीं मिला, तो आपको डेफिनेटली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। कोई भी कंट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, अगर आप फिजिकली दुबई में प्रेजेंट हो विजिट वीजा पे, तो आप जितना भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है यहाँ पे वेल नोन रेपुटेटेड, वो सब के ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जॉब ट्राई कीजिए। आप 5 में से 1 ऑफिस में आपको 100% जॉब मिल जाएंगे, इट्स माय गारंटी दोस्तों। अगर आपको सही से ऑफिस में जाके आप सीवी देके अप्रोच करोगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज वैकेंसीज होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसीज नहीं होते, पर डे यहाँ पे हायरिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बल्क अमाउंट मैन पावर की जरूरत होता है, जिस वजह से आपको आसानी से जॉब नहीं मिल जाएंगे। और अगर आप इंडिया से हो, मोस्टली मुंबई में कुछ पर्टिकुलर ऐसे
जब कंसल्टेंसी है जहाँ पे ह्यूज रिक्वायरमेंट्स आता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के लिए। और अगर आप ऑनलाइन जॉब ट्राई करना चाहते हो तो भी आप उस कंपनी की वेबसाइट में जाके या फिर जिस कंट्री के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, अगर दुबई हो तो डूविजेल या naukrigulf.com, दिस काइंड ऑफ जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी ट्राई कीजिए। आई होप आपको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। सो गाइज, आई होप जो लोग फ्रेशर्स हो लेकिन अब्रॉड में जॉब करना चाहते हो, तो दिस इज द हाई टाइम टू फाइंड अ job in abroad in quick service restaurant, so you can try and I wish कि आप लोगों को जल्दी जॉब मिल जाए। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट रिलेटेड आपके मन में कोई भी questions, कोई भी queries हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए या मेल कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर दूंगा। तो गाइज, आज के वीडियोज में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोज में दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।